हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक बहुत ही शानदार सा एक सनसेट टाइम का सीन पेंटिंग करके दिखाऊंगा। एक पिंक सनसेट पेंटिंग, मतलब ये जो सनसेट पेंटिंग आज मैं करूंगा उसका जो स्काई होगा, जो कलर होगा वो पिंक कलर का होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट कलर दे दिया, उसके बाद अभी मैं दे रहा हूँ येलो कलर, उसके बाद अभी मैं दे रहा हूँ पिंक कलर, ठीक है। तो गैस, ये जो स्काई है ये पिंक कलर होगा, और जैसा कि स्काई होगा सेम वैसे ही नीचे का जो पानी है उसका भी कलर सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो गैस, आज का ये जो पेंटिंग है ये बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए है, जो लोग अभी नया नया पेंटिंग सीख रहा है ये उनके लिए पेंटिंग है, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेंटिंग है और बहुत ही आसान पेंटिंग है। तो जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग अभी अभी नया नया पेंटिंग सीख रहा है या फिर सीखना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये बहुत एक छोटा वीडियो है, ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इस कलर के बारे में जानना चाहते हो कि ये जो कलर मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये कलर है अर्थ कलर। और आप अगर इस कलर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस कलर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो पेंटिंग बोर्ड है, इस पेंटिंग बोर्ड भी मैं अपने हाथों से बनाया है अपने घर में, कुछ होममेड चीज़ें यूज़ करके। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेंटिंग बोर्ड मैंने कैसे बनाया है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पेंटिंग बोर्ड के ऊपर, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। लेकिन गाइस, अगर आपके पास ये कलर और ये ऐसा पेंटिंग बोर्ड नहीं है तो आप इसको एक्रिलिक पेंट से सेम टू सेम पेंटिंग कर सकते हैं, और आप इसके अलावा कोई भी कैनवास या फिर कोई भी पेपर के ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हैं। हालांकि आपका वो जो पेपर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पतला पेपर नहीं होना चाहिए, ओके। तो गाइस, अभी चलिए हम इस पेंटिंग को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और आप भी देखते रहिए इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा।